कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो एक और वीडियो वापस लेकर आ चुका हूँ मैं आर्क सर्वाइवल एवॉल्व मोबाइल की। तो गाइस आज हम भाई करने वाले हैं दो केव, जो कि एक हमारी होने वाली है मैसिव केव और दूसरी केव हमारी जो कि स्काई लॉर्ड केव, जो कि है हमारे ग्रीन ओब्लिक के पास जो कि स्नो बायोम में है। तो गाइस उसको करने का क्या फ़ायदा है मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये आपके सामने ये आ रहे होंगे आर्मर वगैरह और फ्लिक आर्मर और भी भाई बहुत कुछ उससे मिल जाता है और सर्वाइवल प्लेटफॉर्म। और इसके को करने से गाइस आपको एक ओपी लेवल का आर्मर वगैरह मिल जाएगा। और मैसिव केव मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उससे मैं लॉन्ग नेक राइफल मिल जाएगी इंस्टेंटली और क्रॉसबो मिल जाएगा असेंडेंट का, जिससे कि गाइस आप इजीली भाई मतलब इजीली यूज़ कर सकते हो उन वेपन्स को टेमिंग वगैरह किसी भी डायंस को टेम करने के लिए। ओके तो आप मैं ज़रा बता देता हूँ कि मैंने ये इंडस्ट्रियल कुकर वगैरह बना रखे हैं और यहाँ पर गाइज मैं तैयार कर रहा हूँ मेडिसन ब्रू। तो आप लोग देख सकते हैं कि भाई मेरे प्रोग्रेस एक नंबर ओपी चल रही है। तो यहाँ पर मैं फैब्रिकेटर स्मिथी और केमिस्ट्री बेंच तक बना लिए मैंने, जिसमें कि मैं स्पार्क पाउडर और गन पाउडर बना सकूँ। ओके तो ये देख सकते हो आप। तो गाइज इधर पर भाई सब कुछ ठीक है। फैब्रिकेटर में मैं बता देता हूँ ये रेसिपी इंडस्ट्रियल कुकर काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेस में बनता है। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि मैंने दो रेफ्रिजरेटर भी बनाए जिनमें कि आप मैं खाना और ये मेडिसिन ब्रू वगैरह सब कुछ प्रिजर्व कर सकूँ, क्योंकि बाहर रखी रहती हैं तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो इसलिए इनको रखना पड़ता है इसी में। ओके तो चलो गाइस अब चलते हैं हमारी पहली केव की ओर, जो कि होने वाली हमारी मैसिव केव। तो यार करने से पहले गाइस मैं आप लोग को कुछ बता देता हूँ कि आप लोगों को चाहिए पड़ेगा मैसिव केव करने के लिए एक डिसेंट सा आर्मर, चाहे वो लेदर का हो चाहे वो चल जाएगा गाइस आर्मर उसका आयरन का भी चल जाएगा, बट हाँ आपके पास एक डिसेंट लेवल का एक आर्मर होना चाहिए। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ यहाँ पर। तो ये मेरे पास ये देख सकते हो मेरे पास ये हेलमेट है और ये चेस्ट का है और ये लेगीस है और ये शूज़ वगैरह ये सब है मेरे पास, बिल्कुल डिसेंट लेवल का है। तो ना ज़्यादा बढ़िया है लेकिन इतना बुरा भी नहीं है, तो इन सब मतलब ड्यूरेबिलिटी है तो ये मुझे बचा सकते हैं। एंड हाँ आपके पास एक अच्छा वेपन होना चाहिए, एक शॉर्ट होनी चाहिए असेंडेंट की, तो असेंडेंट की ना भी हो बट हाँ हार्ड में होनी चाहिए आपके पास। मैं वैसे मीडियम में खेला हूँ, मीडियम गेम मोड में इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो यार आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास कितने ज़्यादा ब्लू प्रिंट्स और यहाँ पर मेरे पास लेदर का एक अच्छा खासा मतलब ब्लू प्रिंट भी है, जिसको मैं अभी क्राफ्ट नहीं कर रहा हूँ हाल फिलहाल में। तो चलो यार गाइस चलते हैं हमारी मुंडी से डायरेक्ट मैसिव केव। चलो तो गाइस ये रही लोकेशन केव की। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पास पड़ी है केव, क्योंकि हार्वी बोरस लैंड से काफ़ी ज़्यादा पास है ये। तो गाइस आ चुके हैं भाई केव पे, तो चलो चलते हैं। बट चलने से पहले मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं ना एक चेफ स्टेशन से ना भाई मतलब शेडो स्टिक ले लेता हूँ पहले, तो जाता हूँ उधर पे। एंड शेडो स्टिक मिल रहा है यहाँ पर कितना 75 पॉइंट्स का, तो ले लेते हैं क्योंकि भाई चेफ स्टेशन में तो भाई काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स अभी फ़िलहाल में। तो इसको खा रहा हूँ मैं, तो इसको खाने का रीज़न ये है कि आप लोगों को सही सही दिखाई दिया जाए, क्योंकि मतलब जो कि रास्ता है गाइस इतना सब कुछ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए बट आप लोग लाइक नहीं करते भाई और चैनल पे आओ भाई सब्सक्राइब भी नहीं करते, ऐसा नहीं है। तो जाओ यार अभी चेक मतलब अभी जाओ यार गाइस नीचे बिल्कुल फ्री लाइक मिल जाएगा, तो उसे लाइक करो और चैनल को भी भैया फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई पैसा नहीं लगेगा आप लोगों को। तो चलो यार चलते हैं, बहुत ज़्यादा कॉपीकैट बन गया मैं भी दूसरों के डायलॉग चुरा के आप लोग से बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ यार गाइस कर देना जो भी हो बट लाइक तो कर ही देना गाइस प्लीज़ यार। तो देखो गाइस यहाँ पर इतने ज़्यादा मतलब एक चमकादड़ और ये ओने का भाई मतलब पीछे पड़ रहा है, मतलब क्या बताऊँ आप लोगों। तो देखो ये चपक जाते हैं गाइस, लैग देख रहा भाई लैग हो रहा, अरे भाई मर जा। तो यार मेरे पास एक ठीक ठाक सी शॉट है इसलिए मैं देखो इन लोगों को भाई खल्लास कर रहा हूँ फिलहाल में। तो और भाई ये पूरा लाशों का ढेर लगा दिया मैंने यहाँ पर, तो भाई बहुत पसंद है यहाँ पर देखो यार। तो इसके पास जैसे ही पहुँचो भाई इससे थोड़ा संभल के रहना चाहिए, क्योंकि भाई ये तुम्हें एक बार लटा देगी ना तो फिर भाई तुम्हारा मरना तुम्हारा निपटना भाई पूरे का पूरा पक्का है, तुम कैसे भी करके नहीं बच सकते। एक बार अगर तुम अनकॉन्शियस हो गए टॉर पर, सही में से अनकॉन्शियस होते हैं भाई तो हाँ भाई। तो चलो चलते हैं यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर भाई एक जे मकड़ी क्या कर रही है, तो निपटाते हैं इसको भी और ख़त्म कर दिया। तो गाइस ये रास्ता ना जो मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा सा इजी पड़ेगा आप लोगों को, वैसे तो यहाँ पर इतनी भसड़ नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर मतलब ज़्यादा भसड़ भी नहीं है, वैसे एक दूसरा रास्ता भी है बट हाँ मैं इधर ही जा रहा हूँ। तो देखो गाइस इन सबको नमूनों को निपटा लिया मैंने अभी, तो इधर से थोड़ा सा आप लोगों को पार्क वर्क करते जाना पड़ेगा
तो इतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, तो आप लोग भी जा सकते हो। तो मैं आप लोग जैसे बताऊँ ना, इस वाले पे और इस इधर से इधर जाना है आप लोगों को, उस रास्ते पे नहीं जाना है, वरना उस रास्ते पे चले जाओ। तो ऐसे ऐसे आना है गाइस। ओके, तो देखो यहाँ पर भाई ये देख रहा हूँ भाई भसड़ मची है, तो इन लोगों को एक काम करते हैं, पीछे छोड़ के भाई पहले भाग लेता हूँ मैं। ओके ओके, इधर से भी आप लोग जंप लगानी पड़ेगी, और भाई ये नंबू उनको पहले ख़त्म करता हूँ, वरना ये भी परेशान कर रहे हैं फालतू में। क्यों लफड़े दो, मतलब क्यों क्यों भाई, रिस्क नहीं लेने का बिल्कुल भी, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का। और के तो ये ऑनिक कहाँ से आ रहा भाई, कहाँ कहाँ से आते हैं मुझे ही नहीं पता यार, कितनी बड़ी केव है यार। तो गाइस ये यहाँ से सीधा जाना है, एंड यहाँ पर गाइस ये नहीं है आर्टिफैक्ट, ये तो लूट क्रेट है, मैं समझ बैठा कि ये एक आर्टिफैक्ट है, तो इसको ले लेते हैं भाई, लेगीज है फ्री में मिल रही है तो ले लेते हैं। तो इधर पे देख सकते हो गाइस, इधर पे पार्क और फिर से करना पड़ेगा, तो उधर पे एक स्टोन मिल जाएगा, एक सिंगल स्टोन जो कि थोड़ा सा बड़ा है, तो इस पर जंप ऐसे जंप करना पड़ेगा, और फिर ऐसे जंप करो। ओके, और इन सबको निपटा दो पहले तो, क्योंकि कहीं एक बार अगर ये चैंट गए ना, तो फालतू में आप लोग की जंप इधर उधर हुई तो आप गए काम से। और वो गाइस लूट लिया हमने अपना, क्या बोलते हैं, आर्टिफैक्ट। तो गाइस मैं कैजुअल खेल रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने बेड लगा रखा है, तो अब गाइस कूद के मैं अपनी बलि दे देता हूँ, क्योंकि मैं जाके स्पॉन हो जाता हूँ डायरेक्ट, जो कि मैंने बेड लगा रखा है रेड ओब्लिक पे, तो अब मैं जाऊँगा सीधा का सीधा स्पॉन होने वाला हूँ रेड ओब्लिक पे। तो अब ये भूरा देखो भाई, इसको भाई मतलब क्या आदत है देखने की, डायरेक्ट नहीं उठ सकता क्या जल्दी से भाई, टाइम लगा फालतू में। तो ये देखो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं, और यहाँ पे ये इधर पे आना आप लोगों को, ट्रिब्यूटल जो भी हो तो इधर पे आप लोगों को ट्रिब्यूट कर देना है। तो ये देखो भाई, एक प्यारी सी साउंड मिलेगी आप लोगों को, जो कि आपके मन को भाई बहुत ही ज़्यादा भाई मतलब देशभक्ति में डाल देगी। वो कैसी आवाज़ है भाई, तो यार पे देख सकते हो मुझे मिल चुकी है सूदिंग बाम और एक लॉन्ग नेक राइफ़ल। तो वैसे तो मेरे पास इससे भी बढ़िया लॉन्ग ये वाली गन है, बट आप फार डाउट बार बार फार्म करो। वैसे अगर आप कैजुअल में हो तो आप बेड मतलब बेड लगा गाइस, आप कीव में बेड भी लगा सकते हो, जिससे कि आप उधर पे बार बार स्पॉन हो के आर्टिफैक्ट को ऐसे ही मतलब आर्टिफैक्ट को बार बार मतलब ट्रिब्यूट करके ऐसे ही आप बाम और ये सब कलेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल अनलिमिटेड ट्रिक है ये। तो अब हम आ चुके हैं भाई हमारी स्काइल हॉट कीव पे, तो इसकी लोकेशन गाइज मैं ये बता देता हूँ कि ये मतलब मैप के यहाँ पे है, तो ये आप लोग देख लो भाई मैप पे, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो ये देख लो। और इधर पे गाइज आप लोगों को लेके आना है एक ग्रैपलिंग हुक और क्रॉस बो। तो अब मैं इस केव के अंदर जा रहा हूँ, और अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बिल्कुल इजीली आप इसके केव को कैसे कंप्लीट करोगे, बिल्कुल इजीली। तो देखो गाइज ये नीले नीले वाले हैं, मतलब इनको ये क्रिस्टल, इनको फॉलो करना है आपको। तो लो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे जाना है आप लोगों को। तो देखो वापस से आ रहा हूँ मैं, क्योंकि फिर से बताने के लिए। तो देखो ये होती है हमारी केव की स्टार्टिंग, यहाँ से शुरू, तो यहाँ से भाई शुरू होती है। तो चलो इधर से केव की एंट्रेंस है, तो चलो घुसते हैं ठीक है वापस से। तो ये बिल्कुल यहाँ पे भाई ये भटकाने के लिए कुछ कुछ भी बना रखा है इन लोगों ने। तो देखो ऐसे से जाना है, ये इस तरफ नहीं जाना आप लोगों को, मतलब लेफ्ट तरफ नहीं जाना है, राइट राइट जाना है बिल्कुल ही, और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पर एक क्रिस्टल लगा है। तो देखो यहाँ पर राइट राइट साइड ही जाना है आप लोगों को गाइस, और यहाँ पे भी कुछ ही नहीं है, बस ये फालतू के क्रिस्टल है और ये थोड़ी सी जगह है। तो देखो गाइस यहाँ पे आप लोग आ जाते हो, तो इधर पे एक ब्रिज जैसा कुछ इन लोगों ने मतलब बना रखा है केव में, इधर पे है। तो यहाँ पर आपको हेलेना नोट मिल जाता है, एक करके कुछ नोट है ये, तो इसको आप कलेक्ट कर लेना। और यहाँ पे आप लोग आ जाते हो तो गाइस आप लोग को इधर पे हाई जंप लेनी पड़ेगी, बट मैं कह रहा हूँ कि इधर पे आप लोग को जंप बिल्कुल भी नहीं लेनी, एकदम मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा है कि आप लोग गिर के मरोगी। तो मैं आप लोग को पहले भी सजेस्ट कर दे रहा हूँ कि प्लीज़ इधर पे क्रॉस बो और बोले क्या हो और ग्रैपलिंग हुक बिल्कुल ईजीली क्राफ्ट हो जाती है, बस थोड़ा सीमेंटिंग पेस्ट और आयरन और थैच वगैरह लगती है, तो बना लेना, बाकी तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। तो देखो गाइस यहाँ से आप लोग एक फाउंडेशन लगा के उस तरफ, और यहाँ से सीलिंग लगा सकते हो, तो आप लोग इजीली एक ब्रिज बना के आराम से भी गाइस मतलब आ सकते हो इस गेम में। वैसे तो मैं इधर बेड लगाने वाला हूँ, तो देख सकते हो गाइस ये आ चुका है हमारा आर्टिफैक्ट। तो चलो यार गाइस इस चमचमाते आर्टिफैक्ट को क्या करें, हम लूट ही लें गाइस। तो ये हमारे लिए आया है भाई, मतलब ये इंतज़ार में था कि अब हम इसको लूटेंगे। तो जोक सा पार्ट, वैसे मेरी वीडियो में जोक भी कहाँ होता है। और भाई ये वापस आ गया, तो भाई एक बार हटने के बाद दोबारा क्यों आ रहा है जल्दी, तो यहाँ पर भी एक नोट है, तो इसको जल्दी से भाई लूट लेते हैं यहाँ पे। और अब मैं भाई यहाँ पे लगाने वाला हूँ बेड, तो
तो देखो, सबसे पहले एक मैंने आप लोग को बनानी नहीं, एक फैंस फाउंडेशन जो कि नीचे लग जाती है ज़मीन पे। तो इसको लगाने पे क्या होगा कि आप लोग बेड को जो है ना नीचे प्लेस कर पाओगे। तो ये मैंने बेड नीचे कर दिया। एंड देन आप लोग एक स्टोन फाउंडेशन और वुड फाउंडेशन कुछ भी हो तो ले आना। तो यहाँ पे आप लोग देख रहा हो ना, इसके ऊपर आपको लगा देना है। तो बूम गाइस, अब क्या होगा ना कि पहले इन लोगों छछुंदर को मारन दो भाई, बात पूरी नहीं करने देते दे, हराम को। तो देखो ये ऐसे कि जी आप लोगों ने बना लिया ना, तो अब कोई भी डायनो आके कुछ भी मतलब इस फाउंडेशन को नहीं तोड़ पाएगा। आपका बेड बिल्कुल ही सेफ रहेगा, बिल्कुल एंड गेम के एंड तक, जब तक आप गेम खेलो तब तक। ओके, तो बस लग गया हमारा। और गाइस अब शायद मतलब शायद क्या, अब मुझे भाई यहाँ से सुसाइड करना पड़ेगा, बिकॉज़ गेम मोड तो मेरा कैजुअल में ही है। बट अब मुझे पहुँचना है भाई। हाँ तो भाई ये कूदे और ये मर गए हम भाई, देखो बस यही होना था। चल ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं बेड लगा चुका है, तो यहाँ पे वापस से मैं बेड पे जाता हूँ। और गाइस अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हो ना, तो भाई लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और भाई प्लीज़ यार लाइक कर दो यार, मतलब अगर लाइक नहीं करोगे तो नाइंसाफ़ी है गाइस यार, मतलब कर देना यार, बिल्कुल फ्री है। मैं आप लोग के लिए तो कुछ कर रहा हूँ ना, आप लोग गाइस भाई ऐसी वीडियो देख के चले जाओगे तो भाई मुझे बुरा लगेगा ना। तो यार भाई मुझे बुरा ना लगे इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक कर देना, वरना मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। तुम्हारे घर पर आऊँगा भाई छुप के रात में, और तुमको ले जाऊँगा भाई, और हंटर के में फेंकाऊँगा। तो जोक्स अपार्ट, तो इसको मैंने ट्रिब्यूट कर दिया। और एक मेरे पास है एक हाथ वाला कुछ है, वो आया था, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एक ब्लूप्रिंट आ गया है आर्मर का। ये मेरे पास है ग्लव्स हैं आ गए हैं भाई, जिसका ड्यूरेबिलिटी भाई 6.1 और आर्मर 6.98 है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा बेटर मुझको ये मिल चुका है, जो कि मुझको इजीली प्रोटेक्ट करेगा भाई और भी दूसरे क्रीचर्स है। तो गाइस ये रही थी हमारी आज की वीडियो। और गाइस अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो ना, प्लीज़ यार लाइक कीजिए भाई वीडियो को। और तो गाइस प्लीज़ यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये भी एक पुण्य का काम है। ये आप पुण्य का काम करोगे तो आपके साथ अच्छा अच्छा होगा। और गाइस आज की वीडियो में इतना ही, तो चलिए गाइस एंड करते हैं वीडियो को। एंड करने से पहले डिस्कॉर्ड चैनल की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ जाके उसे ज्वाइन कीजिए। बाय।